बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, कल लगता है पंचायत का चुनाव भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ेंगे। हम तो साल तक अहंकारी नेता ने राज किया कि नहीं किया। अरे हमारी छोड़ो, आपके भी पीठ में छुरा भोंकना, ये जिन लोगों के कारनामे रहे हैं ऐसे लोगों पर दोबारा भरोसा नहीं किया जा। वादा किए, एक वादा पूरा किया क्या? कि जो बोलेंगे बाद में उसको जुमला घोषित कर देंगे। बिहार में चुनावी दंगल चल रहा है और इसी बीच कई बड़े नेता प्रचार करते भी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिहार के चुनावों में एंट्री ले ली है और वे जोरों से चुनाव प्रचार में लगे हैं। आज हम प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के रिश्ते को आज के समय और 2015 के समय के साथ तुलना करेंगे। 2020 में बिहार चुनाव में मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए बिहार के विकास पर बोलते दिखाई दिए और 15 साल में बिहार कैसे आगे बढ़ा इस पर चर्चा करते दिखे। भाई और बहनों, बीते डेढ़ दशकों में नीतीश जी की अगुवाई में बिहार ने कुशासन से सुशासन की तरफ कदम मजबूत गति से बढ़ाए हैं। एनडीए सरकार के प्रयासों के कारण बिहार ने असुविधा से सुविधा की ओर और अंधेरे से उजाले की ओर, अविश्वास से विश्वास की ओर, अपहरण उद्योग से अवसरों की ओर एक लंबा सफर तय किया। लेकिन अब सुनिए 2015 के इलेक्शन के समय प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण, जब नीतीश लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। इस भाषण में वह नीतीश और लालू पर तंज कसते हुए बिहार में बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। 15 साल तक लालू जी ने राज किया कि नहीं किया? 10 साल तक अहंकारी नेता ने राज किया कि नहीं किया? ये दोनों ने मिलकर के 25 साल बिहार में सरकार चलाई कि नहीं चलाई? मुझे बताइए, बिहार में पलायन रुका क्या? नौजवान को रोजगार मिला क्या? नौजवान को बिहार छोड़ के बाहर जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता? ये पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? बिहार के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 25 साल कम नहीं होते? अरे बड़े भाई छोटे भाई, ये बड़े भाई छोटे भाई की सरकार 25 साल यहां चली, लेकिन बिहार के नौजवान को रोजी रोटी के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके जाना पड़ा, अपना गांव छोड़ करके जाना पड़ा, अपने खेत खलिहान छोड़ करके जाना पड़ा। बेरोजगारी आज के समय में कितनी है ये तो आंकड़ों से साफ हो ही जाता है, और कोरोना के समय जितना बड़ा पलायन हुआ इससे साफ ही है कि अभी भी बिहार में विकास बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं 2020 के चुनाव में मोदी जी की इस भाषण की, जिसमें वे ये कहते दिख रहे हैं कि बिहार की जनता नीतीश को जिताने का मन बना चुकी है। बिहार का मत स्पष्ट है, मैं जहां गया जो मिजाज मैं देख रहा, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री का संकल्प ले चुकी है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं कि एनडीए को फिर जिताना जरूरी है। जरूरी इसलिए है ताकि बिहार प्रगति के जिस पथ पर चल रहा है उसकी गति और तेज हो। जरूरी इसलिए है ताकि देश को सशक्त करने के लिए जो फैसले लिए गए हैं वो बिहार में भी तेजी से लागू हो। अब आप 2015 के चुनावों का प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण देखिए, जिसमें वे नीतीश पर तंज कस रहे हैं और एक उदाहरण देते हुए वे भरोसेमंद नहीं है ये कहते दिख रहे हैं। बिहार में चुनाव तो अब आए हैं, ये पिछले चुनाव में जब वोट लेने निकले थे अभी रामविलास जी बता रहे थे,
उन्होंने अपने भाषण में भी कहा, उन्होंने आपको कहा था कि अगर 2015 में अगर मैं आपको बिजली न पहुंचाऊं तो मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा, ऐसा कहा था, याद करो, कहा था बिजली नहीं दूंगा तो वोट नहीं मांगूंगा, ये कहा था, बिजली नहीं दूंगा तो वोट नहीं मांगूंगा कहा था, कहा था भाई, उन्होंने कहा था, बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई, का भरोसा तोड़ा कि नहीं तोड़ा, आपके पीठ में छुरा भोंका कि नहीं भोंका, अरे हमारी छोड़ो, आपके भी पीठ में छुरा भोंकना, ये जिन लोगों के कारनामे रहे हैं ऐसे लोगों पर दोबारा भरोसा नहीं किया जाता। अब आप नीतीश कुमार को भी सुन लीजिए। 2015 इलेक्शन के समय में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कस रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के बिहार चुनावों में नेतृत्व करने पर सवाल भी उठा रहे हैं। विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, कल लगता है पंचायत का चुनाव भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ेंगे। हम तो मनाते हैं कि खूब भाषण दे, क्या भाषण ही दे सकते हैं, लोकसभा के चुनाव में भाषण दिए, वादा किए, एक वादा पूरा किया क्या, कि जो बोलेंगे बाद में उसको जुमला घोषित कर देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का असली नाम अब हो गया भारतीय जुमला पार्टी, सब यहीं बैठा हुआ, कितना मंत्री आ रहा है, इनका अध्यक्ष यहीं बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री रोज घूम रहे हैं, ऐसा हिसाब हो गया जैसे लग रहा है कि देश की राजधानी कुछ दिन के लिए दिल्ली से पटना में शिफ्ट कर गया। देश के 300 जिले में सूखे की स्थिति, कोई चिंता नहीं है उनको, चिंता है कि बिहार का गद्दी कैसे मिले, देश का गद्दी मिल गया तो चैन नहीं, अब हर राज्य का गद्दी चाहिए। पर अब 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ही बिहार चुनाव में नेतृत्व करते दिख रहे हैं और अब नीतीश कुमार का 2020 का भाषण भी सुन लीजिए आप, जिसमें वो मोदी जी की तारीफ करते सुनाई दे रहे हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर आए जो देश को विकास के रास्ते पर ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने बिहार के विकास के लिए, जैसे देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए तो किया ही है, लेकिन बिहार के लिए कुछ विशेष पहल की है, इसलिए हम सब लोग उन्हीं को सुनने आए और हम तो सबसे पहले इस बात के लिए विशेष तौर पर आपके समक्ष हम जरूर बधाई देना चाहते हैं। ये जो कोरोना का संक्रमण हुआ है पूरे दुनिया में और उसके बाद उसके रोकथाम के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में करने की कोशिश की है और जिस प्रकार से बिहार में भी काफी मदद मिला और हम लोग बहुत हद तक इसको नियंत्रित करने में कामयाब हुए। 2015 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब नीतीश कुमार से बीजेपी को लेकर सवाल पूछा गया तब उन्होंने एक गाने के रूप में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। अब हवा पर हमको एक चीज याद आ गया भाई, एक जरा सुनाना चाहते हैं आप, एक कविता। बहती हवा था, हवा सा था वो, बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाता। हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो, दाऊद को लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। खैर, तब के समय में प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश के इस बयान पर पलटवार भी किया था। हम ये तो जानते थे कि महास्वार्थ बंधन जो बना है इसमें तीन दल जुड़े हुए हैं, आरजेडी है, जेडीयू है और कांग्रेस है, लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य हुआ कि नीतीश बाबू ने अपने पहले मुशायरे में भी ये
थ्री इडियट का गीत क्यों ले आए? अगर कविता की पैरोडी करने का मन कर गया तो भी थ्री इडियट वाला कर गया, थ्री इडियट वाला कर गया। वाह नीतीश बाबू वाह, क्या क्या आपका मनोरंजन का खेल है। ये देखने के बाद अब हम इतना ही कह सकते हैं कि मोदी जी और नीतीश जी हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बिहार चुनाव के नतीजों का इंतजार अब देश कर रहा है और अब देखना ये होगा कि कौन इस पर सरकार बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।